दोस्तों, आप जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वह इतना विशाल है कि आप इसकी विशालता की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड, मतलब ये सभी रात में दिखने वाले तारे, ग्रह, नक्षत्र और गैलेक्सियां, अब से करीब अरबों साल पहले सिर्फ एक छोटे से बिंदु में समाये हुए थे। एक ऐसा बिंदु जिसका आकार मटर के दाने की तुलना में लगभग हजारों गुना छोटा था। एक इतना छोटा बिंदु जिसे हम अपनी आँखों से भी नहीं देख सकते थे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब और कैसे हुई होगी? क्या यह सदैव से अस्तित्व में था या इसका कोई प्रारंभ भी था? इसकी उत्पत्ति से पहले क्या था? क्या इसका कोई जन्मदाता भी है? यदि ब्रह्मांड का कोई जन्मदाता है तो पहले ब्रह्मांड का जन्म हुआ या उसके जन्मदाता का? यदि पहले ब्रह्मांड का जन्म हुआ तो उसके जन्म से पहले उसका जन्मदाता कहाँ से आया? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आज भी उतने ही रहस्यमय हैं जितने सदियों पहले थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए हमें समय को रोकना होगा और समय में पीछे जाना होगा। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं, थोड़ा और पीछे, कुछ ज्यादा ही पीछे। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले आप ये जो छोटा सा बिंदु देख रहे हैं, ये है हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड। सब कुछ इसी के अंदर समाया हुआ है। ये आसमान में दिखने वाले तारे, ग्रह, ब्लैक होल्स, गैलेक्सियां, सूर्य और हमारी पृथ्वी सब इसी परमाणु से भी छोटे दिखने वाले गोले के अंदर हैं। और इस समय इसका तापमान लगभग करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अंदर केवल ऊर्जा भरी हुई है। यहाँ तक कि अभी यहाँ समय का भी कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन किसी रहस्यमय कारण के चलते अचानक इस छोटे से गोले में एक महाविस्फोट हुआ। और ये ब्लास्ट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर ही ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया। और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। इस समय ये जो आप ब्लास्ट होते हुए देख रहे हैं, ये सब ऊर्जा है, प्योर एनर्जी। ये ऊर्जा पूरी तरह से फैल गई और इसी समय स्पेस का जन्म हुआ और साथ ही साथ टाइम यानी समय अपने अस्तित्व में आया। यह सब इतने छोटे टाइम में इतनी तेज़ी से हो रहा था कि हमारा दिमाग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। करीब इसी वक्त मैटर और एंटी मैटर के पार्टिकल्स के बीच लड़ाई चल रही थी, जिसमें मैटर के पार्टिकल्स ने जीत हासिल की। यही वजह है जिसके कारण मैटर के पार्टिकल्स एग्जिट करते हैं जबकि एंटी मैटर के पार्टिकल्स नहीं। अब तक एक सेकंड का करोड़वा हिस्सा बीत चुका था। अब वह समय था जब नेचर के फंडामेंटल फोर्स बन रहे थे। और इसी समय ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण व इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स का जन्म हुआ। अब तक हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु से अरबों किलोमीटर बड़ा हो चुका था और ब्रह्मांड का टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम हो रहा था। करीब एक सेकंड बीतने के बाद क्वार्क्स का जन्म हुआ और यह आपस में जुड़कर हाइड्रोनिक एटम और लेप्टोनिक एटम बनाने लगे। इस विस्फोट के करीब एक मिनट बीतने के बाद दुनिया का पहला एटम यानी हाइड्रोजन एटम बनकर तैयार हुआ। धीरे धीरे टाइम चलता रहा। लाखों साल बीतने के बाद हाइड्रोजन एटम ग्रेविटी के कारण एक जगह इकट्ठा होने लगे। यह ग्रेविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इनके बीच एटम्स फ्यूज होने लगे और दूसरे परमाणुओं का जन्म होने लगा। और इन्हीं परमाणुओं के आपस में जुड़ने के कारण तारे अस्तित्व में आने लगे और साथ ही साथ ग्रहों का भी जन्म होने लगा।
यह सब बहुत बड़े लेवल पर हो रहा था, मतलब पूरे ब्रह्मांड में अरबों तारे न्यूक्लियर फ्यूजन यानी परमाणवीय संयलन की वजह से बन रहे थे। ब्रह्मांड के शुरुआती पलों में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी बने थे जिनका द्रव्यमान इतना ज़्यादा था कि वह अपनी ग्रेविटी को संभाल नहीं पाए और वह सुपर मैसिव ब्लैक होल बन गए। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल इतने विशाल थे कि इनकी ग्रेविटी की चपेट में अरबों तारे आ गए और इन्हें ऑर्बिट करने लगे, जिससे लाखों करोड़ों और अरबों गैलेक्सीज यानी आकाश गंगाओं का जन्म हुआ। और इन्हीं गैलेक्सीज के समुंदर में कहीं बीच में एक ऐसी गैलेक्सी बनी और इस गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे, यानी वो गैलेक्सी जिसमें हम और आप मौजूद हैं। इस गैलेक्सी के अंदर अरबों तारे मौजूद थे, पर कुछ डस्ट अभी भी बचा हुआ था जो कि स्पेस में तैर रहा था। पर हजारों साल के अंतराल में ग्रेविटी अपनी पावर दिखाने लगी। जो डस्ट मौजूद थी वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के चलते आपस में सामने आने लगी और इसी परिस्थिति के बीच में बहुत सारे प्लैनेट्स यानी ग्रह बनने लगे। सभी एस्ट्रॉइड जैसे दिखने वाले टुकड़े ग्रेविटी के चलते आपस में मिलने लगे और इन्हीं ग्रहों के बनने के दौरान एक ऐसा ग्रह बनने लगा जिसकी सतह सॉलिड थी। और किसे पता था कि इसका नाम होने वाला है अर्थ यानी धरती, जिसमें हम सबका जन्म होने वाला है। सॉलिड टुकड़े आपस में जुड़ के प्लैनेट तो बन गए, पर जो बचे कुछ प्योर हाइड्रोजन के एटम्स थे वो भी आपस में मिलने लगे और इसी प्रक्रिया में छोटा सा तारा बनने लगा। सारे हाइड्रोजन एटम्स आपस में करीब आने लगे और इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हो गई और एक नया तारा जिसका नाम है सूरज, उसका जन्म हो गया। जब ये सूरज बना तब बाकी सारे धूल के कण सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल के बाहर चले गए और सौरमंडल में वही 8 ग्रह और बाकी उपग्रह बच गए जो कि साइज में बड़े थे। और सौरमंडल वैसा दिखने लगा जैसा वो अब दिखता है। सोलर सिस्टम के बाहरी तरफ बहुत सारे गैस के प्लैनेट्स बन चुके थे, जैसे जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह, सैटर्न यानी शनि ग्रह, यूरेनस यानी अरुण ग्रह और नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। और सोलर सिस्टम के अंदर की तरफ इन रॉकी प्लैनेट्स का जन्म हो गया था, यानी ठोस सतह वाले ग्रह जैसे मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह, वीनस यानी शुक्र ग्रह, मार्स यानी मंगल ग्रह और आखिर में हमारी प्यारी सी धरती। और यही वो धरती है जिस पर हम सब रहते हैं। अब एक चीज़ और दिमाग में आती है कि बिग बैंग से पहले क्या था। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग से पहले कुछ था ही नहीं। बिग बैंग से पहले तो टाइम भी नहीं था, सब कुछ उसी एक छोटे से गोले के अंदर था। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।